हेलो एवरीवन। तो गाइस, स्वागत है आपका सोनिया रेसिपीज़ फॉर यू में। तो आज हम बनाने वाले हैं अंडा करी की रेसिपी, जो कि आपको बेहद पसंद आने वाली है। और आप एक बार बना के देखिए इस तरीके से अंडा करी की रेसिपी। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये अंडा करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 अंडों का यूज़ किया है। तो यहाँ पर एक पतीले में मैंने 2 ग्लास पानी हल्का गुनगुना कर लिया है। हल्का आपको टेम्परेचर रखना है बिल्कुल, और उसमें जब हल्का गुनगुना हो जाए तो यहाँ पर हम अंडों को ट्रांसफ़र कर देंगे। और अंडे उसमें बिल्कुल डिप हो जाने चाहिए, हमें इतना पानी रखना है। यहाँ 1 चम्मच नमक डाल के मैंने यहाँ 10 मिनट के लिए इसको ढक करके उबलने के लिए छोड़ दिया है। मीडियम मतलब धीमी आँच पे आप इसको करिएगा। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर, 2 प्याज, 3 हरी मिर्च, आप हरी मिर्च अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 5-6 लहसुन की कलियाँ और आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। और यहाँ पर प्याज को मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया है। यहाँ पर दोनों प्याज को मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया है। और काटने के बाद यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों को भी ऐसे लंबा काट लिया है, एक कट लगा लिया है। आप मिर्ची अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखा कम रखिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग तीखा रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टमाटरों को ऐसे घिस लिया है। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। और ये जो टमाटर के ऊपर का पार्ट होता है छिकल वाला, उसको हम इसमें ग्रेट नहीं करेंगे, इसको अलग निकाल देंगे इस तरह से। ये मैंने यहाँ पर ये टमाटर का प्यूरी बना लिया है। तो अब मैं यहाँ पर अंडों को चेक कर लेती हूँ। यहाँ मैंने गैस ऑफ कर दी थी 10 मिनट के बाद, तो पानी थोड़ा ठंडा हो गया है, तब मैं इसे निकाल दूंगी। तो हमें इसे थोड़ा गुनगुने में ही अंडों को छीलना है, बड़े अच्छे से निकल जाते हैं इनके ऊपर की परत। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जीरा, 8-10 काली मिर्च, 1 इलायची, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा। तो यहाँ पर मैंने अंडों को छील लिया है और छील करके इनमें ऐसे कट लगा लिया है। इस तरह से आप टूथपिक या चाकू की सहायता से कट लगा लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, गरम करने के लिए रख दिया था, और उसमें 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। आप कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं वो ऑयल आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने अंडों को ऐसे फ्राई करने के लिए इसको फ्राई कर लिया है, यहाँ पे थोड़े सा तेल में इस तरह से हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करना है। ये देखिए हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, लाइट सा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्दी और ये कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पर मैंने डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा सा एक कलर आ जाता है, सुनहरा सा। तो इसके साथ भी हम इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर सभी अंडे मेरे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब मैं इन सभी को एक बाउल में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर जो तेल बच गया है उसी में हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये सभी मसाले थे जो हमने खड़े मसाले लिए थे। तो यहाँ पर मैंने हींग डाल दी है, अब यहाँ जीरा डाल देंगे। जैसे ही थोड़ा सा हल्दी, ये जीरा और हींग चटक जाता है तो यहाँ पर मैं सभी खड़े मसालों को यहाँ पर डाल दूँगी। जैसे ही खड़े मसाले थोड़े से सौटे हो जाएं तो यहाँ पर मैं ये कटे हुए प्याज को ट्रांसलूट होने तक पका लूँगी। जब तक प्याज हमारे ट्रांसलूट हो रहे हैं तो यहाँ पर मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच ही मैंने इसमें मीट मसाला डाला है। और यहाँ पर पानी डाल करके मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे प्याज ट्रांसलूज हो गए हैं, तो इसमें मैं ये हरी मिर्च डाल दूँगी कटे हुए। इस तरह से हम इन्हें भी भून लेंगे। और भूनने के बाद ये देखिए किस तरह से हमने प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन कर लिया है। और ये मसाला मैं इसमें डाल दूँगी प्याज़ गोल्डन ब्राउन होने के बाद। और कटोरी में जो मसाला बचा है उसे भी मैं थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इसी में डाल दूँगी। और मसाले को हम तब तक भून लेंगे जब तक इसमें से तेल रिड्यूस ना हो जाए, बिल्कुल तेल अलग ना हो जाए तब तक हम इसको पका लेंगे। जैसे ही मसाले से ये तेल अलग हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी हमारे ग्रेट किए हुए टमाटर। तो यहाँ मैंने ये 1 कटोरी टमाटर है उसको डाल दिया है। ये देखिए इस तरह से हम चलाते हुए इन्हें भी
पका लेंगे। यहाँ पर जैसे ही मैंने टमाटर डाला है तो अब हमें नमक तो डालना ही पड़ेगा इसे भी गलाने के लिए। तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया है और इन्हें भी मैं तेल छोड़ने तक पका लूँगी ढक करके। तो यहाँ मैंने ढक दिया है तो 7 से 8 मिनट लगेंगे और ये टमाटर भी अच्छे से तेल छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए टमाटरों ने तेल छोड़ दिया है, तो अब इसे भी हम चलाते हुए इस तरह से पका लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास के लगभग पानी डाला है ग्रेवी के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप खाते हैं ग्रेवी उस तरह से आप पानी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 1 गिलास पानी डाला है इस तरह से, और इसे भी हम ढक करके इसको पका लेंगे पानी के साथ। तो यहाँ मैंने ढक करके रख दिया है इसको 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट बाद ही हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे और चलाने के बाद हम इसमें अंडे डाल देंगे। यहाँ पर अंडे मैंने डाल दिए हैं सभी, और अंडे डालने के बाद हम इसको चला लेंगे थोड़ा, और 10 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ढक करके इसको धीमी आंच में पकने देंगे ताकि मसाला भी इन अंडों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और ग्रेवी में मिल जाए। तो मैं इन्हें ढक दूंगी 10 मिनट के लिए फ्लेम पे, लो टू मीडियम। तो देखिए 10 मिनट बाद कितना ही अच्छा कलर आया है हमारी सब्ज़ी में, ये देखिए, और हमारी ग्रेवी भी कितनी टेस्टी दिख रही है देखने में, ये देखिए पूरा एकदम ग्रेवी, कितनी थिक ग्रेवी बन गई है। ये चावल रोटी पूरी किसी के साथ भी आप खाएंगे बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो यहाँ मैंने इसको एक बाउल में सर्व कर लिया है। तो यहाँ मैं आपको इसकी ग्रेवी दिखाना चाहूँगी, ये देखिए कितनी ही देखने में बिल्कुल इतनी टेस्टी लग रही है। और यहाँ पर मैं धनिया पत्ती से इसे गार्निश कर दूँगी। तो रेसिपी आपको थोड़ी भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। और आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।